क्षमः कारुणिकाः सुहृदः। संत कौन है जो सबका सुहृद है? सुहृद किसको कहते हैं? आपका वेल विशर, अंग्रेजी में उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है वेल विशर। तीन प्रकार के संबंध होते, एक होता है मित्र, एक होता है सखा, एक होता है सुहृद। ये तीनों अलग अलग हैं। सखा वो है जो संग जिसके खाया जाए रहा जाए, जो रोज ही साथ रहता हो, वो सखा। सखादती सखेलती, विपत्ति में जो काम में आ जाए वो मित्र है। आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नाही। विपत्ति में काम में आ जाए वो मित्र। पर सुहृद तो वो है जो चाहे चलकर आपके पास ना आए, जो सुख और दुख में जिसका अनुभव परिवर्तित नहीं हो, पर दूर रहते हुए सदा आपका हित विचारक हो, वो सुहृद है। सुहृद सर्वदेहिना, सर्वदेहधारियों का अकारण जो हित विचारक है, हित विचारक सुहृद। आज हमारे महाराज जी में करुणा नहीं होती और सुहृद स्वभाव नहीं होता तो हम सबको दर्शन देने के लिए, दास पर कृपा करने के लिए यहां बैठे होते हैं। ये सुहृद स्वभाव का गुण है, ये करुण स्वभाव का गुण है। सुहृद सर्वदेही अजात शत्रव, ढूंढने पर भी जिसका शत्रु, जो किसी को शत्रु न माने, हो सकता है उसके बहुत से शत्रु हों, बहुत से शत्रु हों, जो अपना शत्रु किसी को न समझे। अरे भैया अच्छी बात है, ये शत्रु नहीं है, शिक्षक है। आप विचार कीजिए, आपने कितनी बड़ी कमाई की है कि कोई आपसे शत्रुता करने के कारण 24 घंटे में 10 घंटे आपको याद करता है। कितनी ऊंचाई तक पहुंचे आप, बेटा बेटा सोचे ही जा रहा है आपके बारे में, आपने इतनी गहरी दिल में जगह बना ली है उसके। धन्यवाद करिए भैया, आपने कितनी जगह दे रखी है मुझे। अजात शत्रव शांत, और जो सदा शांत है साधव साधुभूषण। ये सब साधुभूषण महात्मा के लक्षण है। मय्यन्नन्नेव भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम। सीधी बात कही, स्वाभाविक जिसके भीतर मेरे चरणारविंद की भक्ति है वो भी साधु है। कारण भक्ति नहीं, अकारण भक्ति, बिना किसी कारण, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी संदर्भ के।